promote inclusive economic growth for our people and, quite frankly, people all around the world. इसे हम अपने लोगों और समस्त विश्व के लोगों के बीच में भी देख रहे हैं, जो कि एक समावेशी और आर्थिक विकास के प्रति हमारे आर्थिक संबंधों में आती हुई गहराई और प्रगाढ़ता को आगे बढ़ाकर दिखाते हैं। And we see it in our growing cooperation on a whole range of issues in space, emerging technologies, clean energy, global infrastructure. और इसे हम देखते हैं बहुत से अन्य मुद्दों पर भी, जैसे कि हमारे सहयोग के रूप में अंतरिक्ष से लेकर के उभरती हुई टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी में, साफ ऊर्जा तक और सार्वभौमिक बुनियादी ढांचे में भी। I want to thank you, Mr. Prime Minister, for your decision to and hosting the G20 this year and focusing the world on the challenges that matter not just to you and I and our countries, but to all of us. और माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने G20 में इस वर्ष जो आपने नेतृत्व किया है और विश्व का ध्यान उन चुनौतियों की तरफ केंद्रित किया है जो कि हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। I look forward to discussing how we can strengthen our partnership and build a future together worthy of both our peoples, one grounded on democracy, human rights, freedom, and rule of law. आज मैं आपके साथ चर्चा करने की राह देख रहा हूं कि किस तरह से हम आपकी और अपनी सहभागिता को और मजबूत कर सकते हैं और एक साथ मिलकर एक ऐसा भविष्य तैयार करें जो हमारे लोगों के लिए और अधिक बेहतर हो, एक ऐसा भविष्य जो लोकतंत्र, मानव अधिकारों, स्वतंत्रता और नियमों पर आधारित हो। So welcome again, Mr. Prime Minister. We have a big agenda to continue to build our progress again, step by step, but continue to build. तो माननीय प्रधानमंत्री जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और मुझे हमारे सामने बहुत बड़ी कार्यसूची है इस समय पर जिसपे हमें काम करना है, अपनी प्रगति के मार्ग को बढ़ाते जाना है एक एक कदम उठा करके। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। धन्यवाद। राष्ट्रपति जी, मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और डॉक्टर जिल बाइडेन का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जिस प्रकार से आपने गर्मजोशी से मेरा और हमारे डेलीगेशन का स्वागत किया। और विशेष रूप से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आज आपने व्हाइट हाउस के द्वार भारतीय समुदाय के लिए खोल दिए और हजारों की तादाद में भारतीय समुदाय अमेरिका भारत की भावी रणनीति के साक्षी बनने के लिए आज हमारे बीच मौजूद थे। एक्सेलेंसी प्रेसिडेंट बाइडेन, आई वंस अगेन एक्सप्रेस माय हार्टफेल्ट ग्रेटिट्यूड टू यू and to Dr. Jill Biden for the hospitality and the respect that you have shown to me and my delegation, and more importantly, because you opened the doors of the White House today for the Indian American people, and they were there in thousands to witness the future of our strategic partnership. Excellent, aap hamesha Bharat ke bahut acche shubchintak rahe hain aur jab bhi aapko jahan bhi avsar mila hai आपने हमेशा भारत और अमेरिका के संबंधों के महात्म्य को बहुत बड़ा बल दिया है, बहुत बड़ी ताकत दी है। और मुझे याद है कि 8 साल पहले यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल को संबोधित करते हुए आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी और आपने कहा था, आवर गोल इज टू बिकम इंडिया बेस्ट फ्रेंड। ये आपके शब्द आज भी गूंज रहे हैं। भारत के प्रति आपकी यही व्यक्तिगत प्रतिबद्धता हमें अनेक बोल्ड और महत्वाकांक्षी कदम उठाने के लिए प्रेरित कर रही है। आज भारत अमेरिका स्पेस की ऊंचाइयों से समुद्र की गहराइयों तक, एंशियंट कल्चर से लेकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। योर एक्सीलेंसी, यू ऑलवेज बीन इंडियाज फ्रेंड एंड वेल विशर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड वेन एवर यू हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी, यू हैव ऑलवेज गिवन फोर्स एंड स्ट्रेंथ टू आवर बायलैटरल रिलेशंस। एक्सीलेंसी, 8 years ago, व्हाइल एड्रेसिंग द यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल, यू हैड सेड, आवर गोल इज टू बिकम इंडियाज बेस्ट फ्रेंड। And it is this personal commitment of yours towards India that is inspiring us to take many bold and ambitious initiatives. Today, India and the US are walking shoulder to shoulder in every field, from the depths of the oceans to the heights of the skies, from ancient culture to artificial intelligence. Diplomatic drishti se jab kini do deshon ke beech sambandhon ki baat ki jati hai,
तो अक्सर औपचारिक ज्वाइंट स्टेटमेंट वर्किंग ग्रुप्स और एमओयू उसी के दायरे में आमतौर पर बातचीत होती है। इसका अपना महत्व है ही, लेकिन भारत और अमेरिका के रिश्तों का असली इंजन हमारे मजबूत पीपल टू पीपल संबंध है और इस इंजन की एक जोश भरी दहाड़ हमने अभी बाहर व्हाइट हाउस के लोन पर भी सुनी है। Excellency, whenever there is talk of relations between any two countries from a diplomatic point of view, people often talk about some formal joint statements, working groups, MOUs. All these definitely have their own importance, but the real engine of the India-US relationship is our strong people-to-people ties. And we just heard a spirited roar of that engine out on the White House lawns. Excellency, jaisa aapne kaha, मैं उसे फिर से दोहराना चाहूंगा, आज की तेजी से बदल रही वैश्विक स्थिति में सभी की नजर विश्व के सबसे दो बड़े लोकतांत्रिक देशों पर है, भारत और अमेरिका पर है। मेरा मानना है कि हमारी स्ट्रेटेजिक साझेदारी मानव जाति के कल्याण के लिए, वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाली सभी ताकतों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है कि हम मिलकर पूरे विश्व के सामर्थ्य को बढ़ाने में अवश्य सफल होंगे। Your Excellency, as you said, and I would like to reiterate that in today's rapidly changing global situation, all eyes are on the two largest democracies of the world, India and America. I believe that our strategic partnership is important for welfare of the humankind, global peace and stability, and for all countries believing in democratic values. And this is important than ever before. I'm confident that working together, we will be successful in enhancing the strengths of the whole world. आज हमारी बातचीत में हम ऐसे ही कई मुद्दों पर बात करेंगे और अपने स्ट्रेटेजिक संबंधों को नए आयाम से जोड़ेंगे। मैं एक बार फिर आपको आपकी मित्रता के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। We will talk about many such issues today and we will add new dimensions to our strategic partnership. I once again express my heartfelt gratitude to you for your friendship. Thank you, Mr. President. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, friends. Thank you. Thank you. Was the beginning of the crucial bilateral talks between the Indian Prime Minister and also the American President there. A lot will, of course, be said. These were the opening remarks that were made by both these leaders. We'll, of course, continue to track everything that is happening at the Oval Office.